हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और आज का जो जॉब अपडेट मैं लेकर वो अमेज़न की तरफ से मैं लेके आया हूँ। तो अमेज़न एक के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि अमेज़न एक बहुत ही बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है। इसमें जॉब जो है वो कहाँ कहाँ पे निकला हुआ है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, और क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या जॉब फैसिलिटीज में मिलता है, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो वीडियो में देरी ना करते हुए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, अमेज़न का करियर पेज में जाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया सर्च इंजन में amazon.in, ठीक है ना। यहाँ पे amazon सर्च करने के बाद amazon का करियर पेज में आने के बाद यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है कि इंडिया में क्या क्या लोकेशन के लिए जॉब निकला हुआ है। तो ये सिलेक्शन होने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब देख रहे हैं वो कहाँ के लिए है, नोएडा के लिए, नोएडा लोकेशन के लिए जॉब निकला हुआ है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगे वो क्या है, 10+2। 10+2 अगर आप पास हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत सारा है, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा वैकेंसी निकलता रहता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेगुलरली चेक करना पड़ता है और यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको बहुत सारे जॉब अपडेट दिखलाऊंगा, अगर मैं उसमें से एक को मैं ओपन करके दिखला दूंगा क्या क्या क्राइटेरिया है, और नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को खुद से अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे एक जो पोस्ट निकला वो क्या है, वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट के लिए, VTS के लिए, नोएडा के लिए, ठीक है ना। और अगला जो है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, ये भी आपका 10+2 का है। जॉब का पोस्टेड है वो क्या है, 26 अगस्त को ये पोस्टेड है, ठीक है ना। 26 अगस्त को ये जॉब निकला हुआ था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा और भी जॉब है, वर्चुअल तो हो गया, डिजिटल डिवाइस टेक्निकल सपोर्ट, इसके लिए आपको क्या चाहिए, 10+2 ग्रेजुएट एलिजिबल टू अप्लाई, अबाउट amazon.com, मैनी ऑफ द प्लेटफॉर्म वी फेस हैव नो टेक्स्ट बुक सोल्यूशन एंड सो वी हैप्पीली इन्वेस्ट न्यू वंस जेप्ट प्रोस amazon.com ए प्लेस वेयर बिल्डर्स कैन बिल्ड, वी आर द वर्ल्ड द ब्राइटेस्ट माइंड एंड ऑफर देम ए इन्वायरमेंट टू विच दे कैन इन्वेंट एंड इन्वॉल्व टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कस्टमर ए Fortune 100 कंपनी बेस्ड इन, ठीक है ना। ये सारे इसमें वैकेंसी अभी निकला हुआ है। तो अमेजोन एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसमें बहुत सारा वैकेंसी है, तो मैं एक ओपन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन ही ओपन करता हूँ मैं नोएडा के लिए। तो ये कहाँ के लिए है, ये अमेजोन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली। तो वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, ये आपका वर्क फ्रॉम होम है, आप घर पे रह के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्या प्रोफाइल है, देखिए मॉडल फॉर इंडिया D2 VTV विच डील्स विथ डिवाइस एंड डिजिटल कॉन्टेंट, VTS एसोसिएट एंड एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, लोकेशन अप्रूव्ड बाई अमेजोन एर ऑल शेड्यूल्ड, मतलब कि आप किसी भी घंटे में आप काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अमेजोन के से आप इसको डील करके। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसोसिएट टू इंश्योर अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड वर्क लाइक इन्वायरमेंट एट होम लोकेशन सो डेट एसोसिएट कैन डिलीवर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। ये बोल रहे हैं कि आपको एक वो घर में ही ऑफिस जैसा माहौल होना पड़ेगा, प्लस में अनइंटरप्टेड, मतलब कि जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन कट ना हो वहाँ पे आपको अपने लोकेशन में शिफ्ट करना है, कि वहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट हो तो आपका कनेक्शन कटे नहीं, आप अच्छे से कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हैं। और वर्क एनवायरनमेंट घर पे बनाना पड़ेगा कि ऑफिस जैसा, कि आप एक अगर अपना खुद का रूम सेलेक्ट करके उसमें आप ऑफिस जैसा एक डेस्क बना के उसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉलेज स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। एक्शन ओरिएंटेड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट स्किल्स एंड एबिलिटी टू प्रोसेसाइज वर्क टाइम, इंश्योर प्रोडक्टिविटी एडेप्टमेंट, मतलब कि आपको प्रोडक्टिविटी, मतलब कि आपको काम को करना ही है, ठीक है ना। आपको घर के काम के लिए काम को छोड़ दीजिएगा, डिले कीजिएगा तो यहाँ पे नहीं चलेगा। एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली विथ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर, आपको कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेवियर से बात करना है, इंटरनल मतलब कि देश के अंदर के कस्टमर से और देश के बाहर के भी कस्टमर से। गुड कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड एड्रेस कस्टमर इश्यूज अप्रोप्रिएटली, आपको कस्टमर के इश्यू को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद गुड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू कंपोज
ग्रामेटिकली करेक्ट कॉन्सिस एंड एक्यूरेट रिटन रिस्पॉन्स। आपको जो रिस्पॉन्स देना है, अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना है और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इनसे क्या होगा, बेड इफेक्ट पड़ता है कस्टमर के मन पे कि अमेजोन के जो वर्क कर रहे हैं इम्प्लॉय वो अच्छे नहीं है, ऐसा बेड रिपोर्ट करते हैं वो लोग कि उनको भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। और एबिलिटी टू यूज़ अ डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना, आपको ये सारी चीज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज़ करना आना पड़ेगा। फैमिलियरिटी विथ विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपको नेट चलाना आना पड़ेगा, प्लस में आपको विंडोज 7 का जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको चलाना आना पड़ेगा। गुड टाइपिंग स्किल, मतलब क्या, आपको टाइपिंग करना बहुत ही अच्छे तरीके से आना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे काम कर सकती हो, क्योंकि स्पीड में काम करना पड़ता है। अगर नहीं स्पीड में टाइपिंग कर पाओगे तो बहुत ही डीले होता है काम में, तो आपको टाइपिंग भी स्पीड अच्छा रखना पड़ेगा। वेल वर्स्ड विथ डिफरेंट फीचर्स ऑफ स्मार्ट डिवाइस एंड एप्लीकेशन, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना पड़ेगा स्मार्ट डिवाइसेस का, ठीक है ना। नॉलेज अबाउट अमेजोन डिवाइस एंड डिजिटल कंटेंट, आपको अमेजोन का डिवाइस क्या क्या डिवाइस है उसके बारे में जानना पड़ेगा, और डिजिटल कंटेंट क्या क्या डिजिटल कंटेंट है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स आपको अमेजोन वाले लोग खुद ही बताते हैं, ठीक है ना। शुड बी फ्लेक्सीबल टू वर्क इन शिफ्ट, आपको वर्क इन शिफ्ट में फ्लेक्सीबल होना पड़ेगा कि अगर नाइट शिफ्ट में भी काम हो तो आप यहाँ पे आसानी से कर पाओ, ठीक है ना। प्रेफर्ड क्राइटेरिया है शुड बी ड्राइवन मोटिवेटेड एंड टास्क ड्राइवन इंडिविजुअल टू कैन फास्ट एंड अप्रोप्रिएट मिनिमल सपोर्ट एंड मैनेजर लीड। ये बोल रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट बहुत कम करेंगे, और जो अमेजोन वाले हैं वो आपको खूब कम सपोर्ट करेंगे, आपको खुद से ही डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका शुड हैव वर्क लाइफ इन्वायरमेंट टू डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, आपको वर्क जैसा जो मैंने इन्वायरमेंट बोला था वो आपको बनाना पड़ेगा, इससे क्या हो डिस्टर्बेंस ना हो। और भी बहुत सारे इसमें डिटेल्स आप यहाँ पे लॉग इन करके देख सकते हैं। अगर मैं बताऊँगा तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम और भी खिंच जाएगा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा जितना सा होता हूँ मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। कस्टमर फोकस क्या है, एक्सलेंट टेक्निकल सपोर्ट स्किल इंक्लूडिंग मेंटेनिंग फोकस ऑन द कस्टमर इशूज इन द फर्स्ट पास्ट, ये सारे डिटेल्स वो सब आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बेसिक क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका है 10+2, ठीक है ना। 10+2 अगर पास हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आपको ग्रेजुएट हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिए जो भी 12 पास है तो, और जॉब लोकेशन आपको ज़्यादा दूर नहीं है, नोएडा में ही है, और ये तो आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी वीडियो अपडेट जानने के लिए, जॉब के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं आपको इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी बताता रहूँगा कि आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।